मेरा नाम जगदीश प्रधान है और करावन नगर गाँव का मैं रहने वाला हूँ पहले से ही। माता पिता हमारे किसान मजदूर परिवार से थे और हम परिवार में सात भाई हैं और चार बहनें हैं। तो एक छोटे किसान होने के बावजूद भी हमारे पिताजी ने हमारी परवरिश बहुत अच्छे तरीके से की और जितना भी हमको उनका प्यार सहयोग खूब जिंदगी भर मिला है, आज भी मिल रहा है। यहाँ की जनता की बात करें हम तो पहले दिल्ली में सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र पूरे जमुना पार्क माना जाता था अब से 30-35 साल पहले। आज यदि कोई पिछड़ा हुआ क्षेत्र है तो वो वजीराबाद रोड के नॉर्थ का जो एरिया है, चाहे उसमें मुस्तफाबाद विधानसभा हो, चाहे गोकलपुर विधानसभा हो, चाहे करावन नगर विधानसभा हो, ये अत्यंत पिछड़े हुए क्षेत्र हैं। यहाँ पानी की समस्या, सीवर की समस्या और सबसे बड़ी मैं कहूँ कि स्कूलों की समस्या और आने जाने के साधन नहीं है। इसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया। जब मैं निगम पार्षद था 1906 में ये करावन रोड वाइंडिंग का काम मैंने कराना आरंभ किया था। उसमें से हम एक फेस लिया है हमने भजनपुरा से लेकर जालपुर तक और जालपुर से लेकर शिवबिहार की पुलिया तक जो 80 फुट का रोड होना था उसमें यहाँ का जो पीछे MLA रहा हसन अहमद और कांग्रेस के जो MP रहे जयप्रकाश अग्रवाल जी, उन्होंने इसमें बहुत बड़ा रोड अटकाया कि रोड चौड़ा ना हो। आज यहाँ करावन नगर के अंदर एक भी बस नहीं आती है। करावन नगर गाँव के अंदर बस डिपो बना हुआ है 1996 से। डिपो बनने के बाद आज तक उसमें एक बस नहीं आ पा रही है क्योंकि रास्ते नहीं है। तो मेरा सबसे पहला जो ध्येय है वो ये है कि इस करावन नगर रोड को मैं चौड़ा करवाऊँ और मुझे उम्मीद है कि अगले आने वाले जुलाई के महीने में इसका काम हम शुरू करा रहे हैं। मेरी भगवान में सब में आस्था है, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, सब में आस्था रखता हूँ और भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि यदि हम किसी का भला ना कर सकें तो भगवान हमें किसी का बुरा करने की क्षमता मत देना। और भी पब्लिक की सेवा कर सकें, अपना क्षेत्र का विकास हो सके, दिल्ली की जो गरीब जनता है, क्योंकि मैं भी एक गरीब परिवार से, किसान मजदूर परिवार से हूँ और जो लोग मैं देखता हूँ आज भी मेरे जैसे बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं जिनके पैरों में चप्पल नहीं होती, वो बच्चे अच्छे से शिक्षा पा सकें, अपने परिवार का, अपने माता पिता का, अपने समाज का भला कर सकें, ऐसी मैं उनमें रुचि रखता हूँ और उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करता हूँ। जनता बहुत इम्पोर्टेंट है और जनता के लिए मैं 24 घंटे मैं दिल्ली में रहते हुए कभी भी अगर मैं बुखार भी हो गया तो मैं काम के लिए कभी मना नहीं किया, फिर भी अपनी ड्यूटी पर बैठता हूँ और लोगों को जो काम कर सकता हूँ करके देता हूँ। सुबह 6 बजे उठता हूँ, उठने के बाद मैं 7 बजे अपने घर पर नीचे आके बैठ जाता हूँ, 2 घंटे वहाँ जो भी लोग आते हैं उनके काम करके देता हूँ, उसके बाद 1 घंटे में नहाना धोना नाश्ता करना, उसके बाद 10 बजे ऑफिस आ जाता हूँ और 2 बजे तक यहाँ बैठता हूँ। 2 बजे के बाद यहाँ से जो भी ऑफिस के कार्य होते हैं, कहीं भी जाना होता वहाँ जाता हूँ, शाम को फिर 5-6 बजे यहाँ जाता हूँ और जब तक 8-9 बजे जब तक भी आते रहते मैं बैठ के पूरे दिन लोगों का काम करता हूँ। आज तो मोदी जी हैं, मोदी जी जो आज पूरे देश का, पूरे विदेश में जो सम्मान मोदी जी ने बढ़ाया, आज से पहले किसी PM ने ऐसा नहीं किया और वो सबका साथ सबका विकास और हमारा देश, हमारा गरीब परिवार, मजदूर परिवार, किसान परिवार कैसे उन्नति करें, वो सब मोदी जी सोच रहे हैं और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। हर चीज़ देखी है,
अच्छे दिन भी देखे हैं, बुरे दिन भी देखे हैं, और उसका पूरी हिम्मत से उसका मुकाबला किया, आगे भी करते रहेंगे। हमारे यहाँ पानी की 10-12 कॉलोनी ऐसी थी कि जिनमें पानी की लाइन नहीं थी। सबसे पहले मैंने आने के बाद, विधायक बनने के बाद, 12 कॉलोनियों में पानी की लाइन करीब 11-12 करोड़ की लागत से डलवा दी है। बाकी उनके अंदर भी पानी हम नहीं दे पाए हैं, क्योंकि यहाँ जब पिछले विधायक रहे हैं उन्होंने किसी ने भी पानी का स्रोत बनाने के, बढ़ाने के कोई प्रयास नहीं किए। क्योंकि जब यहाँ पानी की लाइनें डली थी, आज के मुकाबले 20% आबादी भी यहाँ नहीं थी, आज 100% आबादी हो चुकी है, और 4-4 मंजिल के मकान यहाँ बन चुके हैं। जहाँ 1 लाख की आबादी होती थी दोनों विधानसभाओं के अंदर, आज वहाँ 8 लाख की आबादी है, और पानी का कोई UGR तक यहाँ नहीं है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ का UGR सौनिया विहार में बनवाना शुरू कर दिया है, जो बनने का 2 साल का टाइम है। मुझे उम्मीद है कि 2019 के लास्ट तक यहाँ UGR बन के, और करावर नगर और बीच के मुस्तफाबाद के लिए, खासकर अपनी विधानसभा के लिए, करीब 30 करोड़ की लागत से पानी की लाइनें वहाँ से डलनी शुरू हो गई हैं, जो 2 साल के अंदर डलकर पूरी हो जाएंगे और हम लोगों को पानी यहाँ मिलने लगेगा। दूसरी सबसे जो बड़ी समस्या है वो है स्कूलों की, क्योंकि यहाँ मजदूर तबका रहता है, बहुत गरीब परिवार के लोग रहते हैं, कोई दुकान पर काम करता है, कोई रेड़ी लगाता है, कोई पटरी लगाता है, वो प्राइवेट स्कूलों के अंदर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। और यहाँ मैं कहूँ कि 4 वार्ड हैं, 4 वार्डों में केवल 2 वार्ड के अंदर स्कूल हैं, एक में 10वीं तक का है, 1 वार्ड के अंदर 2 स्कूल 12वीं तक के हैं, और जो 2 विद्यालय चलते हैं उनमें भी केवल 3-3 घंटे, यानी बच्चों को जब 6 घंटे पढ़ने के लिए मिलते हैं तो मेरे क्षेत्र के लोगों को, बच्चों को केवल 3 घंटा पढ़ने के लिए मिलते हैं, या एक दिन आधे बच्चे पढ़ते हैं, एक दिन आधे बच्चे पढ़ते हैं। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए हमने सरकार से डिमांड की, या तो आप हमारे यहाँ किराए की बिल्डिंग लेके स्कूल खोल लें, या ज़मीन खरीद के स्कूल खोल लें। तो उस पर हमने सरकार को राजी किया। मैंने कमिश्नर से बात कर, LG साहब से बात करके, उनसे रिक्वेस्ट करके 1 रुपये की लीज पर अभी वो जगह दिल्ली प्रशासन को दिला दी है, और मुझे उम्मीद है कि 2-3 महीने के अंदर उसमें बिल्डिंग बननी शुरू हो जाएगी, जिसमें कम से कम हमारे 8,000 बच्चों को पढ़ने के लिए जगह मिल जाएगी। संघ सबको साथ लेकर चलने वाला है, और संघ का भी एक ध्येय है कि हम गरीब आदमी की सेवा कैसे करें। वो प्रेरणा हमें वहाँ से मिलती है कि वो सबको साथ, सबका विकास, ये संघ का हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा योगदान है, और उनसे हमें हमेशा अच्छी प्रेरणा मिलती है। ईमानदारी से पब्लिक की सेवा करना, अपने एरिया का विकास करना, और यही आज भी मैं कर रहा हूँ, और मैं आपको भी कहना चाह रहा हूँ कि आने वाले 2 साल अभी बचे हैं हमारे, इसमें हमारी विधानसभा किसी विधानसभा से पीछे नहीं रहेगी, ऐसा मेरा मानना। अपना जो जीवन, साधारण जीवन है, सादा खान पान, कभी दूसरे शौक मैंने नहीं पाले, और बहुत, जैसे एक बहुत मजदूर किसान परिवार में दूध से रोटी खा ली, छाछ से रोटी खा ली, बहुत साधारण तरीके से अपना जीवन है, उससे अपना जी रहे और अच्छा लगता है। राजनीति में आने का तो मेरा कोई विचार नहीं था, मैं तो 10वीं पास करने के बाद में टाइप सीखता था, और टाइप भी इसलिए कि भाई कहीं नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए तो नौकरी कर लेंगे। बाकी वहाँ से छोटा मोटा अपना काम शुरू कर दिया, उसके बाद थोड़ी थोड़ी रुचि राजनीति में भी आने लगी। सन 1978 के अंदर जो सबसे छोटा पद होता है ग्राम पंचायत के मेंबर का, वहाँ से मैंने शुरू किया। उसके बाद 1983 में मैं गांव का प्रधान बना, पंचायत का, और उसके बाद में 97 में कांग्रेस पार्टी से मैं निगम पार्षद का चुनाव लड़ा, और दिल्ली में सबसे ज़्यादा मतों से विजयी हुई। मैं कभी झूठ की राजनीति नहीं करता,
जो बात होती है स्पष्ट कह देना, ये काम हो पाएगा ये नहीं हो पाएगा। कि एक आदमी को बार बार हम बुला के कि कल आना परसों आना, एक काम पे रख रहेंगे, ये कब होगा वो होगा, मैं उसमें कभी भी लाग लपेट नहीं करता। अगर होने वाला काम है तो कह दूंगा भैया आपका काम होगा, और ना होने वाला तो उनको समझा के भाई ये काम हमारे बस का नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे इसको। युवा पीढ़ी से मैं यही कहना चाहूँगा कि एक तो वो सबसे पहले तो अपना एजुकेशन पर ध्यान दें। अगर एजुकेशन उनके पास है तो मैं समझता हूँ उनके पास सब कुछ है, अगर एजुकेशन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कितना भी धन कमा लें, कितनी दौलत कमा लें, एजुकेशन के बगैर सब कुछ अधूरा है। और उनको बड़े रास्तों से हट के अच्छे रास्ते देखने चाहिए, जो सफलता के लिए गलत रास्ते अख्तियार ना करके अच्छे रास्तों को अपनाना चाहिए। इंडियन स्टोरी के ज़रिए से मैं देश की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि लोग जो नीचे तबके हैं, मजदूर, किसान, गरीब, पिछड़े हुए लोग, उन सबको हम सबके मिलके उनका विकास करना चाहिए। कोई पिछड़ा ना रहे, सबको आगे आने का मौका मिलना चाहिए।